الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الأكرمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الصادقين وقال الله عز وجل في كلام الله القديم والعظيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين محترم سامعین کرام معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز جلیل الخدر خطبہ اعظام مشائخین اعظام نعت خواں حضرات دانشوران قوم و ملت محبان اہل سنت اللہ رب العزت کا یہ لاکھ لاکھ شکر احسان ہے اور اس کے پیارے حبیب رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج آپ عاشقان رسول محبان اولیاء غلامان غوث اعظم و غلامان غریب نواز کے درمیان میں حاضر ہونے کا موقع اور شرف نصیب ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا کروڑ ہا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسی بابرکت نورانی علمی عرفانی روحانی مجالس میں بیٹھنے کا موقع اور شرف نصیب فرمایا ہے میں دل کی گہرائیوں سے
इंतज़ामी कमेटी को मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने इस गांव में इतने बेहतरीन अंदाज में ये बज़्म का अहतमाम किया और आज अपने आकाओं अपने बुजुर्गों की याद ताज़ा करने का हम सबको मौका इनायत फरमाया। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के करोड़ा करोड़ा एहसान है हम पर। बेटा ये ईको कम कर दी, ईको। अल्लाह के करोड़ा करोड़ा एहसान है हम पर कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने, आपकी अहले बैत से प्यार करने और आपकी उम्मत के औलिया से ताल्लुक़ रखने की तौफीक अता फरमाई। क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला जब किसी से नेमतें छीन लेना चाहता है तो अल्लाह उनको उसके महबूबों से दूर कर देता है, और अल्लाह जिनको नेमतें देना चाहता है, फजल अता करना चाहता है, नवाजिश व इनाम से मालामाल करना चाहता है, तो अल्लाह उस बंदे को अपने महबूबों की चौखटों पे डाल देता है। और ये बात मेरी अपनी बात नहीं है, ये कोई ऐसा मौलाना का कौल नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अन्फुसहुम जाऊका फस्तग़फरुल्लाहा वस्तग़फर लहुमुर रसूल لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا। ये क्या मुद्दा है मालूम, कुरान शरीफ के अंदर ये जो बयान हुआ, हम लोगों से कह रहा है अल्लाह कि अगर तुम अपनी जानों पे जुल्म कर बैठो, तुमसे कोई गुनाह हो जाए, खताएं हो जाए, लफ्जिश हो जाए, तुम्हारा दफ्तर पूरा सियाह कारियों से भर जाए और अब तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें माफ कर दे, अब तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम पे फजल कर दे, अब तुम चाहते हो कि तुम्हें अल्लाह की तरफ से नेमत मिल जाए, तो अल्लाह कह रहा है जाऊ का, ऐ मेरे मुस्तफा आप उनसे कह दो वो आपके दर पर आ जाए, आपकी चौखट पे आ जाए, आपके बारगाह अकदस में आ जाए, जब मैं उनको वहां देखूंगा तो अब मैं उनको नहीं देखूंगा, अब मैं आपको देखूंगा। आप अगर सिफारिश कर देंगे मुझे मेरे रब होने की, क्योंकि ऐसी मनहूस जिंदगी से मौत अच्छी है, ऐसी मनहूस जिंदगी से मौत अच्छी है। अब कील ठोकरों देखो, अब जो बुजुर्गों से दूर हुआ वो मर्दूद हो गया, जो बुजुर्गों से दूर हुआ वो, जरा जोर से बोलो, जो बुजुर्गों से दूर हुआ मर्दूद हो गया। अल्लाह जिस किसी को मर्दूद और मलऊन करना चाहता है उसको बुजुर्गों से दूर कर देता है। अल्लाह जिसको मर्दूद और मलऊन करना चाहता है उसको बुजुर्गों से, जरा जोर से बोलो और जरा जोर से, हाँ तुम लोगों को सुनाना नहीं है, बाजू वालों को सुनाना है। तुम लोग समझ रहे हो कि हम मौलाना हम इतना चीखने सुने नहीं आ रहा क्या? नहीं, मेरे को तो आ रहा, बाजू वालों को नहीं आ रहा, उनको सुनाना है पट्ठों को। अब देखो, पॉइंट टू बी नोटेड, अल्लाह कैसे मर्दूद करता है। अपन लोग, आप, मैं नहीं, आप लोग गुजरात में पैदा हुए, मैं हैदराबाद में पैदा हुआ, अपन लोग इंडिया में पैदा हुए, ये अलग बात है, पेपर नहीं होगा, इनका भी ऑपरेशन, बात समझ रहे हैं? मगर पैदा तो यहीं हुए, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं लिए होंगे, क्या जरूरी है बर्थ सर्टिफिकेट लेना? हमको क्या मालूम था आगे चल के कोई हमसे एनआरसी का मसला पूछेगा? पूछता तो हम लोग एक नहीं चार लेके रखते थे, मालूम नहीं था ना। कई लोग तो घर में पैदा हो गए
और बाज लोग तो ये गुजरात की ट्रैफिक में दवाखाने को जाने जाने के बीच बीच पैदा हो गए। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हम यहां पैदा हुए जमीन पे, मगर इबलीस जन्नत में पैदा हुआ। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने उसको जन्नत में रखा, वो मेहमान जन्नत, वाह वाह, वो मकीन जन्नत, कोई मामूली आदमी नहीं था। उन्हें सारी अजमतों का, फजीलतों का, रिफअतों का मरकज था। अच्छा एक बात पूछ रहा हूं, हजरत आदम पहले पैदा हुए या इबलीस पहले पैदा हुआ? अबा क्या पढ़े लिखे लोग हैं, सुभान अल्लाह। इबलीस पहले पैदा हुआ, हजरत आदम बाद में आए, इंसान बाद में, जिन पहले, इबलीस पहले। अब जरा गौर करो, जन्नत में रहता था। आप लोग बैठे तो कुर्सी को टेका लगा के बैठते, आप लोगों को तो कुर्सी दिए भी नहीं, अच्छा हुआ मेरे को दे दिए, नहीं तो तकरीर फ्लॉप जाती थी। तो कुर्सी को टेका लेके बैठते, मगर इबलीस बैठता था अर्शे इलाही को टेका लेके बैठता था, अल्लाह के अर्श को टेका लेके बैठता था। ऐसी शान वाला था, इतना उसको अल्लाह ने मर्तबा दिया था। मुअल्लिमुल मलाइका था, फरिश्तों को पढ़ाता था, वो भी कैसा झूला झूलते हुए पढ़ाता था, ऐसा शानदार मुअल्लिम था, सबको उन्हें पढ़ा रहा था। उसको कौन पढ़ाए? पॉइंट टू बी नोटेड। उसका उस्ताद कौन है? बोले अल्लाह अपने फजल से उसके सीने पे इल्म उतारता था। अल्लाहु अकबर, ऐसी शान का मालिक था। कहीं इतने फजीलत ना सुन के कहीं से मोहब्बत हो जाएंगे आप लोग, वो अलग मुसीबत। हाँ वट्ठे दाढ़ी काटा हुआ है मेरा भाई। जम करने बैठ के पढ़ना लाहा उड़ा वाला हुआ। अरे इधर बालान दिख रहे ना, इधर अच्छा काट रहे हो मौलाना के सामने, लाहा वाला वाला हुआ था। और सारे पट्टे गुजरात वाले, मैं पहचानता हूँ गुजरात वालों को। अब मसला आगे सुनो, इतना शानदार था, इतना फजीलत वाला था, इतना अजमत वाला था, मगर अल्लाह ने उसको 100 साल 200 साल नहीं, 6 लाख साल तक अल्लाह की इबादत करता रहा, जन्नत में रहा, मुअल्लिमुल मलाइका बनकर रहा। मगर अल्लाह ने क्या किया? अपना एक महबूब पैदा किया और कहा فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس। अल्लाह कह रहा है सारे के सारे फरिश्ते सजदे में चले गए सिवाय इबलीस के। हुक्म हुआ हजरत आदम को सजदा करो, महबूब को सजदा कर, महबूब की ताजीम बजा ला, महबूब का एहतराम कर, महबूब से प्यार कर। कहा ए अल्लाह, खलकतनी मिन नार व खलकतहू मिन तीन। ए अल्लाह तूने मुझे आग से पैदा किया, इनको मिट्टी से पैदा किया, मैं आग वाला इस मिट्टी वाले को हरगिज सजदा नहीं करूंगा। अकड़ गया, गुरूर किया, तकबर किया। रब ने फरमाया فَخُرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ। रब ने फरमाया निकल जा, हमने तुझे मर्दूत कर दिया है और खयामत के दिन तक तुझ पर हमारी लानत है। अल्लाहु अकबर, जरा गौर करो आप, कोई छोटे मोटे मौलाना की बात नहीं हो रही, कहीं तुम लोग टेंशन ले रहे होंगे। है मौलाना? नहीं जी, आखिरी धारकारी था उन्हें, उसके उतना बड़ा धारकारी कोई था ही नहीं। जन्नत में रब की इबादत करने वाला, रब को सजदे करने वाला, अल्लाह का जिक्र करने वाला, अल्लाह के लिए जीने वाला, फरिश्तों को पढ़ाने वाला, अर्शे इलाही को कुर्सी का टेक, अर्शे इलाही को टेक लगाकर बैठने वाला, इतनी फजीलतों अजमतों का मालिक, एक बेअदबी करा किसकी? अल्लाह के महबूब की।
तो अल्लाह उतने अजमतों फजीलतों वाले को मर्दूद कर दिया, लानत कर लानती कर दिया, जन्नत से निकाल दिया और खयामत तक के लिए उसके लिए तौबा का दरवाजा बंद कर दिया, माफी नहीं है उसको। तो पता क्या चला, अल्लाह जब किसी को मर्दूद करना चाहता है अपने महबूबों की दरबार से उसको महरूम कर देता है। अरे मेरे भाई, इन लोग यहां नमाज पढ़ रहे, उन्हें वहां पढ़ा जी, इन लोग यहां सजदे कर रहे मट्टी पे, उन्हें जन्नत में सजदे करा, तो जन्नत में सजदे करने वाला महबूब की बेअदबी करके महबूब नहीं बन सका, महबूबियत पे ठहर नहीं सका, महबूबियत को कायम नहीं रख सका। तो फिर ये गुजरात में नमाज पढ़ने वाला, इन्हें महबूब की बेअदबियां करेगा तो उन्हें था तो इज बाहर निकल गया, इन्हें ऑलरेडी पहले से इज बाहर है, इन्हें जाता इज कैसा। बात समझ रहे हैं आप? अरे अगर जन्नत में जाना है तो सरदारे जन्नत के गुलाम बनो। किसके गुलाम बनो? बोलो जरा, किसके गुलाम बनो? सरदारे जन्नत के गुलाम बनो। सरदारे जन्नत कौन? सरदारे जन्नत इमाम हुसैन को कहते हैं। नौजवान आने जन्नत के आप सरदार हैं। सरदारे जन्नत सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाकिया राकिया हजरते सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा को कहते हैं। वो खातुनाने जन्नत की सरदार है। आप जरा गौर करो, जब तक इनका दामन नहीं थामोगे, इनके गुलाम नहीं बनोगे, जन्नत में जगह मिलने वाली? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अच्छा, मैं बाजू वालों को पूछा, मियां तुम्हारी नजर में भी कोई दोजखी है क्या? पूछा, ट्रीटमेंट बोलते इसको। तो बाजू वाले बोले है ना। मैं बोला कौन है? बोले खादियानी। अरे मैं बोला दीवाने, उन्हें तो नमाज पढ़ रहा ना, तो नमाज पढ़ा भी तो दोजखी है। बाजू वाले बोल रहे, अरे बोला ने रोजा भी रखता, रोजा रखा भी तो दोजखी है। मैं बोला उन्हें हज में भी दिख रहा, सऊदी गवर्नमेंट उसको बैन नहीं करी, अभी हज में भी आ रहा उन्हें। बोले हज को आया भी तो दोजखी है। बोला काबे का तवाफ भी कर रहा, काबे को गिना पकड़ के उन्हें हमारे से ज्यादा रो रहा, तब भी दोजखी है। मदीने को भी आ रहा, सरकार की जियारत भी कर, फिर भी दोजखी है। बाजू वाले बोल रहे। अरे मैं पूछा कई को दोजखी है? बोले वो उनका अकीदा है कि हमारे पैगंबर मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं है, बल्कि उनका मिर्जा गुलाम अहमद खादियानी वो आखिरी नबी है। हमारे नबुवत की नबुवत का इनकार है और फिर वो किसी और को अपना आखिरी नबी मानते हैं, इसलिए वो काफिर है। मैं बोला वेरी गुड। जो नबी के साथ गद्दारी करे, दूसरे को अपना नबी बना ले, हमारी नजर में भी वो काफिर, तुम्हारी नजर में भी वो काफिर, वो नमाज पढ़ने के बाद भी जन्नत में नहीं जाएगा, वो रोजा रख के भी जन्नत में नहीं जाएगा, वो हज करके भी जन्नत में नहीं जाएगा, इस पर इत्तेफाक हमारा भी है, इस पर इत्तेफाक तुम्हारा भी है। तो अब जरा गौर करने वाली बात है, कादियानी का दोजखी होना शराब की वजह से नहीं है। वाइट टू बी नोटेड। खादियानी का दोजखी होना जिना की वजह से नहीं है। खादियानियों पे दोजखी होने का फतवा, जहन्नमी होने का फतवा, कुफ्र का फतवा, गुमराह होने का ऐलान उनके किसी बुरे अमल की वजह से नहीं है, उनकी बदअखीदगी की वजह से है। तो ये ऐलान हो रहा है, जो जो दुनिया में नबी आले नबी औलादे अली औलिया का बदअखीदा होगा वो काफिर होगा, या जहन्नमी होगा, या फिर वो गुमराह हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, औलिया अल्लाह वालों का दामन। बात समझ में आई? जन्नती होने के लिए
अकीदा होना जरूरी है। अकीदे के साथ नमाज पढ़े तो कबूल है, अकीदे के साथ रोजा रखे तो कबूल है, अकीदे के साथ हज करे तो कबूल है, बगैर अकीदे के हज करे न कादियानी का कबूल है न बाजू वाले का कबूल है। अकीदा बुनियाद है, ये ईमान है। ईमान इमामा पहन के मैं बैठा हूं, इमामे का नाम ईमान नहीं है। आप दाढ़ी छोड़ के बैठे, दाढ़ी का नाम ईमान नहीं है। कुर्ता पायजामा जुब्बा पहन के हम बैठे हैं, इसका नाम ईमान नहीं है। सुबह से 5 वक्त की नमाज पढ़े, इसका नाम ईमान नहीं है। रमजान शरीफ अब परसों से शुरू हो रहा, रोजा रखने का नाम ईमान, तरावी पढ़ने का नाम ईमान नहीं है, जकात देने का नाम ईमान नहीं है, हज करने का नाम ईमान नहीं है, माँ बाप की खिदमत का नाम ईमान नहीं है, जकात देने का नाम ईमान नहीं है, बेगम और बच्चों के साथ हुस्ने सुलूक करने का नाम ईमान नहीं है, मस्जिद के इमाम का एहतराम करने का नाम ईमान नहीं है, मदरसे में बच्चों को जमा करके ला ला कर उनको खिलाने का नाम ईमान नहीं है, काबे का तवाफ करने का नाम ईमान नहीं है, जलसे जुलूस का नाम ईमान नहीं है, खत्मे बुखारी का नाम ईमान नहीं है, जलसे दस्तार बंदी का नाम ईमान नहीं है, मस्जिद से 5 वक्त अजान का नाम ईमान नहीं है। फिर आप पूछे गुजरात वालों, आप पूछे मौलाना ईमान कहते किसको है, तो कान खोल कर सुन लो, आमेना के लाल मोहम्मद अरबी को अपनी जान से ज्यादा चाहने का नाम ईमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, फूल या रसूल, या रसूल या रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तस्कीर मौला अली जिंदाबाद, मसलों को समझो दोस्तों, मसले समझने की चीज है। प्यारे मुस्तफा की मोहब्बत ईमान है, अल्लाह की वहदानियत के इकरार का नाम ईमान है, मुस्तफा की रिसालत को मानने का नाम ईमान है। ये अगर आपके पास मजबूत है, फिर उसके बाद अब आप नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज कबूल। नबी को इल्म गैब नहीं है, नबी हमारी तरह है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीठ के पीछे की खबर नहीं, तू नमाज पढ़ी चिन्ह करे हौले कबूल होने वाली चीज नहीं है वो। बात समझ रहे हैं आप? नबी की बेअदबी करके सजदे करा तो कैसा रहे हौले? नहीं, देखो एक छोटी बात बोलता हूं आपसे। कोई आदमी बोलता मैं हिंदुस्तान में भी रहता हूं और हिंदुस्तान से गद्दारी भी करता हूं, चलता? नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट उसको बाद में बुलाती होंगी, हम लोग पहले जूते मारते हैं उसको, क्योंकि ये मुल्क हमें अपनी जान से ज्यादा अजीज है, क्योंकि ये मुल्क की वो जमीन जिस पर हमारी जान कुर्बान, क्योंकि इसके अंदर हमारे गरीब नवाज आराम फरमा रहे हैं, इसके अंदर हमारे बख्तियारे काकी आराम फरमा रहे हैं, इसके अंदर हम हजरत निजामुद्दीन औलिया आराम फरमा रहे हैं, इसके अंदर गुजरात वाले आलम शाह कादरी आराम फरमा रहे हैं, इसके अंदर बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े सूफिया, बड़े बड़े बुजुर्ग, वो जिनको अल्लाह ने अपनी खुदरत का जलवा बनाकर पैदा किया था, वो औलिया अल्लाह आराम फरमा रहे हैं। ये जमीन हमारे लिए मुकद्दस जमीन है, बाबरकत जमीन है, इस जमीन से हमें उतना ही प्यार है जितने अबे बाप दादा से प्यार है, इसीलिए तो हमारे लोग इस जमीन को बचाने के खातिर इतनी कुर्बानी दिए। जब आजादी की लड़ाई हो रही थी तो हैदराबाद से लेके लाहौर तक खाली हर झाड़ पे मुसलमानों के लटके हुए लाशें नजर आ रहे थे,
बोले जान जाती है तो चले जाए, हिंदुस्तान महफूज रह जाए। ऐसी कुर्बानियां हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क के लिए दी है। क्यों दी है? क्योंकि यह मुल्क हमारे गरीब नवाज का मुल्क है। ये मुल्क हमारे बुजुर्गों का औलिया अल्लाह का मुल्क है। ये हमारे आकाओं का मुल्क है। पूरी दुनिया फिर लो आप, आपको पूरे सिलसिले नहीं मिलेंगे। ये हिंदुस्तान में आ जाओ, हर सिलसिला आपको यहाँ पे मिलेगा। हर सिलसिला यहाँ पे आपको मिलेगा। बड़ी बड़ी जामियात यहाँ मिलेंगे, बड़ी बड़ी बारगाहें यहाँ मिलेंगे, बड़े बड़े बुजुर्ग यहाँ मिलेंगे, सूफिया यहाँ मिलेंगे, औलिया यहाँ मिलेंगे, उलमा यहाँ मिलेंगे, हुफाज यहाँ मिलेंगे। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, इसीलिए कभी भी आप जरा गौर करो, जब आप जिस मुल्क में रहते उस मुल्क के साथ आप गद्दारी नहीं कर सकते, तो फिर जिस नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हुए, और फिर जिनके सदके से आप तक कलमा पहुंचा, अहले बैत पाक, करबला के शुहदा, अजमेर वाले आखा, सरकार गरीब नवाज, जब इन्होंने हम तक कलमा पहुंचाया, हम तक शरीयत पहुंचाई, हम तक कुरान पहुंचाया, हम तक हदीस पहुंचाई, हम तक फिका पहुंचाया, हम तक इंसानियत पहुंचाई, हम तक अखलाक पहुंचाए, हम तक तहजीब पहुंचाई, हम तक खुदा का पता पहुंचाया, तो फिर आप अंदाजा करो हम इनके साथ गद्दारी कैसा कर सकते। गुजरात वालों ईमानदारी से बोलो, तुम्हारा कैसा मालूम बुखारी बुखारी है? बल्कि बुजुर्गों का सदका है, लाके दिए, देखो बाबा ये बुखारी शरीफ है, इसको इमाम बुखारी हदीसा जमा करे, उन्होंने वहां बैठ के ये काम करे, ऐसी शान से करे, ऐसी अजमत से करे, बोले तो आप अपन ले लेके चंदे वसूल कर रहे हैं। बाजू वाले जी नहीं, वरना ये बुजुर्गा नहीं होते तो बुखारी कहां से पहुंचती? बुजुर्गा नहीं होते तो आपको मस्जिद का पता कैसे चलता? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के तो आप नहीं है, सहाबा के जमाने के तो आप नहीं है, फिर भी आप तक इस्लाम पहुंचा है, तो पता क्या चला? बुजुर्गों के सदके में पहुंचा है। इसीलिए अल्लाह ने अपने महबूब हजरत मुईनुद्दीन हसन संजरी को जब यहां भिजाया, तो इमाम सय्यदुना हजरत इमामुल औलिया सय्यदुना ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी जब यहां तशरीफ लाए, तो खुदा की कसम यहां पर खुदा के साथ खुदा की कोई इबादत करने वाला नहीं था, खुदा को खुदा कहकर पुकारने वाला न था, लेकिन सरकार गरीब नवाज लाए, तशरीफ लाए, तो आपने एक को दो को नहीं, 25 50 को नहीं, 100 200 को नहीं, 1000 2000 को नहीं, 40 50 हजार को नहीं, बल्कि हजरत गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया है। बुजुर्गों का सदका है भाई, अल्लाह का शुक्र है आज अपन अल्लाहु अकबर बोलने वाले बने हुए, चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहे मस्जिद में, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह। कौन सिखाए कलमा? अरब को जाके सीख के आए। कलमा सीखने सऊदी अरब गए थे? नहीं गए। अभी तक तो कई लोग हज को भी नहीं गए, उमरा को भी नहीं गए, मगर कलमा पूरा पक्का पढ़ता, दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ता, रोजाना 3 पारे कुरान की तिलावत करता, रमजान आया तो जकात देता। अरब को गया इसने, फिर कलमा सिखाए कौन? खुदा की कसम हमें ये कलमा औलिया अल्लाह ने सिखाया है, हमें ये कलमा बुजुर्गान दीन ने पढ़ाया है, हमें इस्लाम से अल्लाह वालों ने जोड़ा है, ये उनका सदका है। हम इबादत खुदा की करते हैं, इबादत और मोहब्बत औलिया अल्लाह से करते हैं। हम औलिया अल्लाह से एहसान फरामोशी नहीं कर सकते, उनके सदके में हमें अल्लाह मिला है।
उनके सदक़े में हमें नबी मिले हैं, उनके सदक़े से हमें अच्छाई मिली है, उनके सदक़े से हमें सब कुछ मिला है, तो हम अल्लाह तक पहुंचेंगे तो इनको वसीला बनाकर पहुंचेंगे। वसीला होना जरूरी है, वसीला होना जरा जोर से बोलो जरूरी है वसीला। वसीले के बगैर आप दीनदार, दीनदारी आपकी मुकम्मल नहीं हो सकती। बाज़ लोग बोले दुनिया में वसीला ले सकते, दीन में वसीले की जरूरत नहीं है। मैं बोला वाह क्या पॉइंट निकाला पट्टे, नया फार्मूला है। बोले दुनिया में वसीला ले सकते, बोले नहीं छत पे जाने सुड़ी होना और दुनिया है ले सकते, बोले गुजरात को जाने फ्लाइट होना ले सकते, बोले हज को जाने के वास्ते पासपोर्ट होना वीजा होना वसीला ले सकते, दिन में नहीं ले सकते। डायरेक्ट अल्लाह तक पहुंचो, वेरी गुड। कल सुबह फजर की नमाज सब पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कल हमारे ये मोहल्ले की मस्जिद में, मिसाल दे रहा हूं कहीं बाद में तुम लोग अटेंशन ले लेंगे, कल सुबह फजर की नमाज में नक्शबंदी साहब की तकरीर सुन के 500 लोग आ गए नमाज पढ़ने। इत्तेफाक से इमाम साहब नहीं आए, मिसाल दे रहा हूं, ठीक 5:30 बजे जमात है फजर की, ठीक 5:30 हो रहा है, इमाम साहब आइच नहीं। अब सदर साहब भी आ गए थे नमाज पढ़ने कमेटी के, घड़ी को देख रहे हैं, मौजून साहब को देख रहे हैं, क्या हुआ, वेट वेट वेट, 36 हो गए, इमाम साहब आइच नहीं, 37 हो गए। अब सदर साहब 38 पे फिरने लगी उनकी, गुस्सा आने लगा, अब तक नहीं आए। नक्शबंदी साहब की तकरीर सुन के मैं जुम्मे को जुम्मा आने वाला आज फजर को आ गया, नहीं इमाम साहब आइच नहीं। 35 हो गए, 5:35 इमाम साहब के इंतजार में सदर साहब का रुख मस्जिद की गेट की तरफ चेंज हो गया, क़िबला होता नहीं ऐसा, नहीं होता ऐसा यहाँ के, ऐसा नहीं होता, होता होता ऐसा होता। फिर डर रहे कि बोलो ना, तुम नहीं निकालते तुम्हारा मैं हूं ना। इमाम की जितनी बुरी हालत होती दुनिया में इतनी बुरी किसी की भी नहीं होती। अगर दुनिया में वजीर आजम से भी अगर कोई टफ जॉब करता है तो वह हमारी मस्जिद का इमाम करता है। वजीर आजम भी 5 मिनट लेट आ सकता, कोई नहीं पूछता उसको, पूछे तो उसको अरे तू निकल बोलता। चीफ मिनिस्टर 10 मिनट लेट आ सकता, मगर हमारी मस्जिद का इमाम 1 मिनट लेट नहीं आ सकता, आया तो उसकी तनख्वाह कट कर देते अपने पट्टे, इतने खतरनाक है। इस दुनिया में अगर किसी के ऊपर सबसे बड़ा जुल्म होता है तो वो मस्जिद के इमाम और मुअज्जिन पे होता है, हालांकि उसके पीछे नमाज पढ़ने वाले कोई जिन्नात नहीं है, फरिश्ते नहीं है, पूरे इंसान ही चाहे, मगर उन्हें इंसान होके इंसान की मजबूरी को नहीं समझता। जान दो, अब ये मुद्दा नहीं अपना, ये आउट लेने के बाद ना बाद में करेंगे, पहले अपन पॉइंट पे बात करेंगे। तो इमाम साहब 5 मिनट लेट आए, सदर साहब की फिर गई, पीछे पलट के देखे, इत्तेफाक से 35 को आए, और ये 5 मिनट खयामत बन के गुजरे वो 500 लोगों के ऊपर इंतजार में। इमाम साहब जैसे ही गाड़ी को स्टैंड मारे, पार्क किए, फिर उसके बाद मस्जिद में एंट्री लिया, आते ही देख लिया, अरे आ गए इमाम साहब, मौजन साहब खड़े हो गए, इकामत देना शुरू कर दिए। तो इमाम साहब को पब्लिक ऐसे घूर घूर के देख रही है, ऐसे घूर के देख रही है जैसे पुलिस वाला चोर को देखता है, घूर के देख रहे। इमाम साहब बोले मैं रोजाना 5 बार आता हूं, इन्हें हफ्ते में 1 बार आके इतना घूरता। बेटा आज रात में तकरीर सुन लेके तू आ गया, मैं जलसे में खिदमत कर रहा इंसान हूं, थोड़ी नींद लग गई, 5 मिनट लेट हुआ तो इतना घूरता। इकामत हो रही थी, इमाम साहब गए मुसल्ले पे खड़े गए, इमाम साहब को आया है नहीं पढ़ाएंगे आज नमाज, पढ़ा लो बोलेंगे लोग कुछ।
फिर ख्याल आ जान दो टेंशनों में, कहीं नमाज का वक्त ख़त्म हो जाएगा, इमाम साहब नियत करे रकत बांधे अल्लाहु अकबर। मिसाल दे रहा हूँ, कहाँ हुआ पूछेंगे कहीं। सूरह फातिहा पढ़ दिया इमाम साहब, इमाम साहब को सूरह फातिहा पढ़ते ही इन लोग आमीन बोलते, इमाम साहब ख्याल आए इन लोग हमें को घूर घूर के देखे। इमाम साहब बदला लेने क्या करे, सूरह बकरा शुरू कर दिए। लोग मत सुभान अल्लाह, सूरह बकरा शुरू कर दिए इमाम साहब। अब इमाम साहब पौ पारा पढ़ दिए, पीछे पैरा यूं 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 खुजारा, नींद में आंखा मल ले रहा, कुछ बोल भी नहीं सक रहा। रुको करो जी, नहीं बोल सकता, मुर्दा निकल रहा, पीछे लटक रहा, पैरा यूं यूं कर ले रहा। इमाम साहब और फिर गई उनकी, आधा पारा पढ़ दियो लोग मत, उसके बाद रहा माया बोले जान दो, कहीं वक्त खत्म हो जाएगा, नमाज जाए हो जाएंगे। बोल गया अल्लाह अकबर, रुकू में लग गए। फिर उसके बाद खौमा हुआ, फिर सजदे में गए, पहला सजदा नॉर्मल हुआ, दूसरे सजदे में फिर याद आया उनको, लगा घूर के देखे मेरे को। जो पहले सजदे में 3 बार तस्बीह पढ़े थे, दूसरे सजदे में 21 बार पढ़ दिए। तो पीछे एक सेठ था, उन्हें बोला ये इमामत ही चलको मेरे को, उठा मैं अपनी अलग पढ़ लेता हूं, बोल के एक रकत इमाम के पीछे पढ़ा, दूसरी खुद ही पढ़ लिया। ईमानदारी से बोलो उसकी नमाज हुई। वाह सुभान अल्लाह, बहुत समझदार लोग मिले भाई आज, वाह वाह सुभान अल्लाह। नमाज हुई, ईमानदारी से बोलो हुई नहीं हुई? इमाम को छोड़ा, नमाज खत्म। इबादत खुदा की है, सेठ भी अल्लाह का बंदा है। दूसरी रकत जो पढ़ा उन्हें भी सूरह फातिहा तजवीद से पढ़ा, सूरह इखलास भी अच्छा पढ़ा, रुकू भी करा, सजदे भी करा, अत्तहियात भी पढ़ा, दरूद इब्राहिम भी पढ़ा, दुआए मासूरा भी पढ़ा, सलाम भी फेरा, दुआ भी करा। इमाम साहब की अभी इधर खियाम ही चल रही, इसकी पूरी नमाज हो गई, निकल गया, चले गया। बोले ऐसा इमाम नको, इसके पीछे नमाज नको, चले गया। ईमानदारी से बोलो नमाज हुई? 10 मिनट की नमाज में क्या बात है, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। गुनाहें जिनसे मुमकिन है वो इमाम की इख्तिदा तोड़ा, उस वसीले से मुंह मोड़ा, तो अल्लाह की इबादत अल्लाह के दरबार में अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। वाह 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 वाह, 10 मिनट की नमाज बगैर वसीले के कबूल नहीं है। इमाम बंदे और खुदा के बीच का वसीला है, इमाम बंदे और खुदा के बीच का वसीला है। इसीलिए कई लोग 15 मिनट पहले मस्जिद में आ गए, सुन्नत पढ़ के बैठा हुआ है। मैं पूछा कई को बैठा, बोले इमाम साहब आते नमाज खड़ी होती, जमात पढ़ना है, तेरा तू पढ़ ले। नहीं आता? बोले आता। फिर पढ़ के जा? बोले नहीं जाता। क्यों? तन्हा नमाज से वसीले वाली नमाज बेहतर है। तन्हा वाली नमाज से वसीले वाली नमाज बेहतर है। इसीलिए इमाम जब तक खियाम में रखा मुसल्ली खियाम में रहता है, इमाम जब तक रुकू में रखा मुसल्ली रुकू में रहता है, इमाम जब तक सजदे में बिठाए इमाम सजदे में मुसल्ली सजदे में रहता है, इमाम जब तक कैदे में बिठाए मुसल्ली कैदे में रहता है, इमाम जब सलाम फेरता है मुसल्ली सलाम फेरता है। क्यों? क्योंकि ये बंदे और खुदा के बीच का वसीला है। अरे 10 मिनट की नमाज तेरी इमाम के जैसे वसीले के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती, तो तुझे जन्नत और खुदा का खुर्ब
गौसे आजम के वसीले के बगैर कैसे मिल सकता है, गरीब नवाज के वसीले के बगैर कैसे मिल सकता है, इमाम हुसैन के वसीले के बगैर कैसे मिल सकता है। अरे तुझे अगर मुस्तफा का वसीला नसीब ना हो तो फिर जरा अंदाजा कर तू खुदा तक रसाई कैसे कर सकता है। नारे तकदीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, सादत इकराम। मेरे भाइयों, औलिया अल्लाह जरूरी है, रसूल अल्लाह का दामन होना बाजू वाले, वो तो डायरेक्ट अल्लाह को पुकारो, डायरेक्ट अल्लाह तक जाओ बर नहीं। हम लोग बड़े जा रहे अल्लाह तक, वसीले को लेके जाओ बर नहीं। अगर वसीले की जरूरत नहीं है तो फिर अल्लाह नबियों को पैदा करा कई को नहीं समझे आप, फिर जरा जोर से बोलो ना जी, सुभान अल्लाह बोलो भाई। जब वसीले की जरूरत, नबियों को तो हम लोग पैदा नहीं करे ना, अल्लाह पैदा करा, अल्लाह नबियों को पैदा कर, फिर एक दो नबी को भी पैदा नहीं करा, 1,24,000 पैगंबरों को पैदा करा। वसीले की अहमियत मालूम हो रही इससे आपको नहीं? जो चीज की जितनी जरूरत होती है उसको उतनी मिकदार में लगाया जाता है, रखा जाता है। जलसा इतना बड़ा है, दो लाइटा लगाए तो होता? बोलो जी, जलसे के हिसाब से लाइट होना चाहिए, जरूरत के तकाजे की तकमील होना चाहिए। अल्लाह ने अपने बंदों की इस्लाह के लिए 1,24,000 पैगंबरों को भेजा। इस दुनिया में अगर अखलाक किसी ने देखा है तो पैगंबरों में देखा है, इंसानियत किसी में देखी गई है पैगंबरों में देखी गई है, बंदगी कहीं नजर आती है पैगंबरों ने सिखाई है। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, अरे ये वो खुदा के महबूब हैं, अल्लाह ने इनको एक बड़ी तादाद में पैदा करके बताया, बंदो इनका दामन थाम लो। तुम इनके हो जाओ, जो इनका हो गया वो मेरा हो गया। इसीलिए खाली कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके अंदर वहदानियत नहीं है, है ना भाई? ला इलाहा इल्लल्लाह में वहदानियत है, ला इलाहा इल्लल्लाह में रुबूवियत है, ला इलाहा इल्लल्लाह में खुदाई का जलवा है, ला इलाहा इल्लल्लाह में खुदाई की शान है, ला इलाहा इल्लल्लाह में खुदा की नियामत है, खुदा का फजल है, खुदा का करम है, ला इलाहा इल्लल्लाह में सब कुछ है। मगर फिर भी कलमा रब ने मुकम्मल नहीं किया, कहा बंदो यहां खुदाई है, बंदो यहां रुबूवियत है, बंदो यहां इलाही है, बंदो यहां अल्लाह है, बंदो यहां अल्लाह के अलावा दूसरे का इनकार है। मगर फिर भी सुनो, अब इस खुदा तक पहुंचने के लिए तुम्हें फिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस जाते अक्दस का दामन थामना जरूरी है, और नबी तक पहुंचने के लिए अहले बैत का दामन थामना जरूरी है, अहले बैत तक पहुंचने के लिए औलिया का दामन थामना जरूरी है, औलिया तक पहुंचने के लिए पीराने कामिल का दामन थामना जरूरी है। नहीं आई बात समझ में? आई? हाँ सुबह आ गई तो बस है, पैसे कबूल है समझो आप, बहुत खर्चा करे बेचारे बच्चे। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मसाइल को समझो, दीन समझदारी का नाम है, हुल्लड़बाजी का नाम दीन नहीं है, जज्बात का नाम दीन नहीं है, अकड़ने का नाम दीन नहीं है। ये नहीं मानता, वो नहीं मानता, वो नहीं मानता, ये नहीं मानता, वो नहीं मानता, मिलादुन्नबी नहीं मानता, फातिहा नहीं मानता, सलातो सलाम नहीं मानता, दरूद की महफिल नहीं मानता, खसीदे बुर्दा नहीं मानता, नात की महफिल नहीं मानता, शबे बारात नहीं मानता, शबे मेराज नहीं मानता, जियारत नबी नहीं। अबे फिर पैदाइश के कुआ रे होले, कुछ भी नहीं मानता तो फिर आया कहीं कुरे प्योर है? नहीं, अम्मी अब्बा को भी मानना है, मामू जान को भी मानना है। खाली अम्मी अब्बा को मानता, मामू को नहीं मानता, बोले तो पागल हो गया।
बद अखलाकों में तेरा शुमार हो जाता, नालायक लोगों में तेरी गिनती हो जाती। मेरे प्यारे, अम्मी अब्बा को भी मानना, मामू जान को भी मानना, चिचा को भी मानना, फुप्पा को भी मानना, खालू को भी मानना, यूरों को माने, फिर ससुरे को भी मानना पड़ता। नया नया रिश्ता, घर में अब्बा कुत्ता प्यारा, अब्बा ने बोला, घर में ससुरे को जाके अब्बा बोला। गुजरात गया तो बहुत अच्छा बोल रहे। ससुरे को भी मानना पड़ता, फिर ससुरे के जितने रिश्तेदार है उनको भी मानना पड़ता। ये सब खत्म होगा तो फिर महल्ले वालों को भी मानना पड़ता, सबको मानना है भाई। लड़ना किसी भी नहीं है, इनकार किसी का भी नहीं है, सबको मानना है अपने पास। झगड़ा किसी से भी करने की इजाजत, अरे भाई यहां आम इंसानों से झगड़े की इजाजत नहीं है, और ये कौम वलियों से झगड़ा कर रही है, नबियों से झगड़ा कर रही है, अहले बैत से झगड़ा कर रही है, नौज बिल्ला बांगे दहल मेंबरों पे खड़े होके, माइकों पे खड़े होके पट्टे बोल रहे हैं कि नौज बिल्ला औलिया अल्लाह मुर्दा है। लो झगड़ा औलिया अल्लाह से, कह रहे हैं कि मैदान करबला में इमाम हुसैन गलती पे थे, नौज बिल्ला। लो झगड़ा अहले बैत से, कह रहे हैं कि हजरत उमर को क्या जरूरत थी, जब रसूल अल्लाह तरावी के 8 पढ़े तो हजरत उमर 20 कई को पढ़ाए, हजरत उमर पे एतराज कर रहे हैं। इतनी खतरनाक कौम कह रही है कि अगर हमारा बस चलता तो हम नबी की गुम्बद को तोड़ देते और नबी को ऐसे मकाम पर ले आकर दफन कर देते जहां किसी को पता ना चले, नऊज़ बिल्ला। अल्लाह की लानत हो इन पर। कह रहे हैं क्या उन्हीं अरब के उन्हीं अनपढ़ों में से अल्लाह ने एक अनपढ़ को नबी बनाया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये क्या इंसानियत है, ये कौन सी दीनदारी है मेरे भाई? बगावत का नाम दीन थोड़ी है यारो, गद्दारी का नाम दीन थोड़ी है, शरारतों का नाम दीन थोड़ी है। दीन तो मोहब्बतों का नाम है, दीन तो एक दूसरे के अदब का नाम है, दीन अखलाक का नाम है, दीन इंसानियत का नाम है, दीन अदब का नाम है, दीन एहतराम का नाम है, दीन ताजीम का नाम है, दीन मोहब्बत का नाम है। सारी ताजीमें खत्म, मोहब्बतें खत्म, एहतराम खत्म, अखलाक खत्म, उल्टा बेअदबियां कर रहे हैं, गुस्ताखियां कर रहे हैं, जलालत वाली गुफ्तगू कर रहे हैं, और उन्हें कर रहे हैं ये हमारे पट्टे फेसबुकों पे वायरल कर रहे हैं। फिर उसके बाद बोल रहे हम मुसलमान है, अरे इतना खतरनाक मुसलमान नक्को बन रहे हो ले। मुसलमान बनना है तो अदब वाला मुसलमान बन। एक अदब सिखाऊं, मूड में तो है ना? सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए जी, आहा मेरे आखा के मैदाने जंग में है, हाय हाय मैदाने जंग में कुफार और मुशरिकीन प्लान करे मैदान में के बोले के ये जो नबी के इर्द गिर्द में जो सहाबा है ना, हजरत अबू बकर है, उमर है, हजरत उस्मान है, मौलाए कायनात है, कुछ ऐसा प्लान करे कि एक एक को घेर घेर के नबी से दूर कर दिए, उधर मतलब ऐसे तलवारें लड़ते 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 पीछे लेके चले गए, इनको उधर लेके चले गए, उनको उधर लेके चले गए, ऐसा प्लान करके नबी के जो बिल्कुल करीब ठहर के ये जंग कर रहे थे दूर लेके चले गए लोग, प्लान करके एक एक सहाबी के साथ 10-10, 15-15, 20-20, 25-25 मुकाबला करके पीछे 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 हटाते इधर उधर लेके चले गए। जैसे ही नबी तन्हा हुए मैदान जंग में, 150-200 का जत्था नबी पाक अलैहिस्सलाम पर वार करने लगा। आमिना का लाल तन्हा उनके तलवारों का मुकाबला कर रहा है। मेरे नबी की तलवार बिजली की तरह उनके ऊपर बरस रही है। हजरत उमर को ख्याल आया दौरान जंग, यहाँ खाली चुमटी काटे तो बेगम याद नहीं रहती लोगों को, नहीं उस जंग में भी हजरत उमर की मोहब्बत देखो, याद कर रही कि मेरे नबी कहाँ है, अल्लाहु अकबर। और जब उन्होंने ये प्लान को महसूस किया, ये प्रोग्राम को, कि ये जालिम कौम हमारे को घेर घेर के नबी से अलग करके नबी पे टूट पड़ी है, तो हजरत उमर अपने उस घेरे को चीरते हुए, उस नरगे से निकलते हुए हजरत उमर दौड़ते हुए रसूल अल्लाह की तरफ आने लगे। और जब रसूल अल्लाह के करीब आए तो देखते हैं कि एक बड़ा जत्था सैकड़ों की तादाद में नबी पर टूट पड़ रहा है, तो हजरत उमर उनकी पीठों पर तलवार से वार करते हुए, उनकी गर्दनें काटते हुए उस नरगे में घुस पड़े।
और जब बिल्कुल नबी के करीब आए, देखने वाली आंखों ने देखा, हजरत उमर दुश्मन से मुकाबला कर रहे हैं लेकिन चेहरा दुश्मन की तरफ नहीं है, चेहरा नबी की तरफ है, पलट के वार कर रहे हैं। और ये पलट के वार मुकम्मल नहीं हो रहा तो हजरत उमर की पीठ छन्नी छन्नी हो रही है दुश्मन के तलवार से, जिस्म कट रहा है मगर हजरत उमर नबी की तरफ से पलट नहीं रहे। नबी ने कहा उमर पलट कर मुकाबला करो, तो कहा या रसूल अल्लाह आप पर मेरी माँ बाप कुर्बान, आखा उमर शहीद होना तो गवारा कर सकता है मगर आमिना के लाल को पीठ बताना गवारा नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, औलिया अल्लाह वालों का दामन। ये है अदब। इस्लाम ने बराबरी नहीं सिखाई, अदब सिखाया। इस्लाम ने एतराज नहीं सिखाया, मानना सिखाया। इस्लाम ने जुबान दराजी नहीं सिखाई, गर्दन झुकाना सिखाया। इस्लाम ने मुकाबला आराई नहीं सिखाई, ताजीम करना सिखाया है। इस्लाम की बुनियाद को समझो नौजवानों। इस्लाम में देड़ होशियारी नहीं है, इस्लाम में अदब है। इस्लाम में क्या है? माँ है अदब करो, बाप है अदब करो, चचा है अदब करो, खाला है अदब करो, ससुर है अदब करो, बड़ा भाई है अदब करो, हाफिज़े कुरान रस्ते में मिल गया अदब करो, मस्जिद को गए इमाम है अदब करो, मुअज्जिन है अदब करो, मुफ्ती साहब से मिले अदब करो, पीर से मिले अदब करो। अदब है हमारे पास, हमारे पास देड़ होशियारी जोर से बोलो नहीं है। अदब, एहतराम, ताजीम, मोहब्बत, अखलाक, ये हमारे पास इस्लाम इसका नाम है। खाली नमाज पढ़ने का नाम इस्लाम नहीं है, सिर्फ नमाज पढ़ने का नाम, सिर्फ नमाज पढ़ने का नाम इस्लाम नहीं है, सिर्फ दाढ़ी छोड़ने टोपी पहनने का नाम इस्लाम नहीं है, सिर्फ मस्जिदों में तकरीरा करना वाजा करना जमा करने का नाम इस्लाम नहीं है। रास्ता चलते हुए अगर एक पत्थर भी नजर आ जाए जो नुकसान पहुंचाने वाला हो उसको बाजू हटके हटा के गुजरना, इसका नाम इस्लाम। किसी के पैर में अगर कांटी या गिलास चुभने का खदशा हो उस कांटी और गिलास को बाहर कर बाजू कर देने का नाम इस्लाम है। जानवरों के साथ भी, इंसान तो इंसान, जानवरों के साथ भी हुस्ने सुलूक करने का नाम इस्लाम है। बीवियों से मोहब्बत, औलाद के साथ हुस्ने सुलूक करने का नाम इस्लाम है। माँ बाप की खिदमत, उनकी ताजीम और एहतराम का नाम इस्लाम है। उफ भी कहने की इजाजत नहीं है, क्या इस्लाम है। अल्लाह अकबर। कौन माँ कौन बाप जो जुमा को जुमा नमाज पढ़े, वैसे माँ और वैसे बाप के साथ भी बेअदबी करने की इजाजत। गुनाहगार खताकार माँ बाप के साथ भी अदब वाला रिश्ता रखना है। यहाँ अगर जुमे को जुमा खड़े होके या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, वैसे नबी की बारगाह में खड़े होके सलाम पढ़े तो इसमें झगड़े की क्या बात है। गुनाहगार अम्मा की बेअदबी नहीं कर सकते, नबी का अदब करे तो झगड़ा कई कु। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। क्या भाई नबी का क्या क्या समझ रहे नबी को आप? नबी अल्लाह अकबर, महबूबे खुदा। कौन नबी? मालिक जन्नत। कौन नबी? मुख्तारे कायनात। कौन नबी? ला मकां का मकी। कौन नबी? रब का दीदार करने वाली जात। कौन नबी? खाबा खौसैन की मंजिल में खड़े रहने वाली जात।
कौन नबी वल नजमी इजा हवा की शान, कौन नबी वज़ुहा वल लैली की शान, कौन नबी जिसका रब कहे ला उक्सीमु बिहादल बलद व अंत इल्लुम बिहादल बलद, कौन नबी तिलकर रुसुलु फद्दलना बादहुम अला बास जिसके लिए रब ने बयान किया, कौन नबी जिसकी अजमत अल्लाह वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कह के बयान करे, कौन नबी जिसका रब जिसके जिक्र को वरफअना लका जिक्रक कह के बयान करे, कौन नबी जिसकी शान व अजमत रब वमा कान अल्लाह لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ कह के बयान करे, कौन नबी لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ जिसकी शान में उतरे, कौन नबी وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَاكَ मुजदह जिसको सुनाया जाए, कौन नबी इन्ना आतीना कल कौसर कह के जिसकी शान बयान की जाए, सुबह हो जाएंगी। इतना बड़ा अजमत वाला नबी अल्लाह दे दिया, ये दीवानी कौम का मुर्दा निकलो। हमारे नबी हमारी तरह है, नबी को इल्मे गायब नहीं है, नबी पे सलाम नहीं पढ़ना, नबी पे फातिहा नहीं देना, नबी का मिलाद नहीं मनाना, नबी को या रसूल अल्लाह नहीं बोलना, नबी से मदद नहीं लेना। अरे पागल होगा क्या बे हौले। अल्लाह उनको भेजा वसीला बना के, तू ये नहीं लेना, वो नहीं लेना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, ये भामटे बता क्या है रे भाई। ये अल्लाह अल्लाह होकर हमारे उस्ताद मोहतरम हुजूर सैयदुना सैयद शाह ताहिर रजवी उल कादरी सदरु शुयूख जामे निजामिया हैदराबाद दक्कन की एक अजीमुल मर्तबत वली सिफत अदीब इल्मी दुनिया की शाहकार शख्सियत, आप इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने कुरान की हर तीन आयत में एक आयत नबी की अजमत पर नाजिल फरमाई है। ये ऐसे मुफस्सिर का कौल है जिन्होंने सिर्फ एक पारे की तफसीर बयान करने के लिए 10 साल का वक्त लिया। ऐसे जलील खदर आलिम का कलाम है ये। फरमाते हैं अल्लाह ने, गुजरात वालों कान खोल के सुनो, अल्लाह ने हर तीन आयत में एक आयत आमिना के लाल की अजमत व फजीलत पे नाजिल फरमाई है। क्या नबी भाई, क्या बच्चों का खेल है, दिल लगी है, टाइम पास है, जिनको देखने वाला सहाबी हो जाए और देखने वाले की शान इतनी फजीलत वाली हो जाए कि पूरी दुनिया के नमाजी एक तरफ, बिलाले हवशी का सजदा एक तरफ। हमने पूछा है अल्लाह, बिलाल भी तो इंसान है, हम भी इंसान है, गुजरात वाले भी इंसान, ये अल्लाह ये 14वीं सदी वाले हैदराबाद वाले भी इंसान, ये लखनऊ वाले भी इंसान, ये मुंबई वाले इंसान, ये बेंगलुरु वाले इंसान, ये सऊदी अरब वाले इंसान, सारे इंसानों का सजदा एक तरफ, बिलाले हबशी का सजदा एक तरफ। ए अल्लाह, हमारे सजदे बिलाले हबशी का मुकाबला क्यों नहीं कर सकते? तो रब ने कहा क्योंकि तुम्हारे सजदों में उसके सजदों में फर्क यह है, सज तो सजदे में है मगर बिलाले हबशी की आंखों को मुस्तफा के दीदार की सआदत नसीब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सहाबा इकराम का दामन, सआदत इकराम का दामन, उलमा अहले सुन्नत का दामन। मसाइल को समझो मुसलमानों, दीन समझने का नाम है। नबी हमारे बराबर है, लो गम्मत, फिर तू सहाबी बना के बताना रे। सुभान अल्लाह। एक साहब ऐसे बोले, नबी हमारे बराबर है, बोला वेरी गुड, हो सकता भाई तेरा नबी तेरे बराबर होगा, हो सकता, नो प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ ऐसे ऐसे टिपिकल पैदा होते हैं, कितों का मुकाबला करेंगे। नबी हमारे बराबर है, तो मैं बोला फार्मूला आसान है। बोले क्या? नबी अगर आपके बराबर है तो मेरे प्यारे लाड़ेले लड्डू, फिर तू नबी का कलमा कहीं को पढ़ता, अपना ही पढ़ ले, किस्सा खत्म, टेंशन खलास। नहीं भाई, बोलो ना जी बड़े भाई।
नबी हमारे बराबर है बोल रहे, तो फिर अपना कलमा पढ़ो। फिर बोल रहा नबी हमारे बराबर, फिर नबी का कलमा पढ़ रहा। लियो गम्मत, नबी हमारे बराबर है बोल रहा, फिर नबी पे उतरने वाली कुरान पढ़ रहा। तेरे बराबर है तो तू एक किताब छाप ले, तू शुरू हो जा कल से नया काम कर पट्टे। ये क्या पुराने बता, घामटे बता, बोलता एक करता एक, रखता एक दिखाता एक, काम वो कर जो समझ में आए। तू अगर कह रहा है कि भाई हमारे में नबी में क्या फर्क है, हम भी बराबर हैं, उन भी इंसान, वो भी इंसान, हम भी इंसान, वो भी अल्लाह के बंदे, हम भी अल्लाह के बंदे, तो वेरी गुड। तू भी जो है ये गुजरात के प्यारे मैदान में खड़े होके उंगली का इशारा करके तू भी चांद के टुकड़े कर। अजीब गरीब कौम है भाई, करती कुछ भी नहीं, खाली बोलते रहती है, बड़ी खतरनाक कौम है भाई। तो भी एक काम कर, एक दरबार लगा, बोल ये सब मेरे सहाबी हैं, इनका नाम अबू बकर है, इनका नाम उमर है, इनका नाम उस्मान है, इनका नाम अली है। तू भी ऐसा कर, अपनी बीवियों को भी तू अजवाज मुतहरात बोलने लगा। अरे हौला है क्या, खाली नबी बराबर है, नबी हमारी तरह है बोलता, फिर काम पूरे नबी के करता, नमाज नबी की चलिया, रोजा नबी से चलिया, कुरान नबी से चलिया, फिर पूरा उनका ही पढ़ रहा, टोपी भी नबी से चलिया, दाढ़ी भी नबी से, मिसवाक भी नबी से चलिया, फिर बोलो नबी हमारी बराबर, तो भी तेरा क्या है बे? मसले को समझो नौजवान, हंसो ना को लोटो, मगर अब यहाँ जगह नहीं है, जगह पूरी फुल हो गई, बाद में लोटो, मगर मसले को समझो, खुदा की कसम दीन है, दीन है मेरे भाई। अरे मेरे बड़े भाई, आप कैसा बोल सकते भाई नौज़ बिल्लाह नबी के बराबर है? पूरी दुनिया के नमाजी मिलके बिलाले हबशी के बराबर नहीं, नबी के देखने वाले के बराबर नहीं हो सकते, तो नबी के बराबर कैसे हो सकते जी नौज़ बिल्लाह? अब तक घुसीच नहीं जी मेरे अंदर, ये पूरी दुनिया फिर रहा हूं, 13 मुमालिक गए आप तक, बोल रहा हूं मेरे को समझाओ रे बड़े भैया, फार्मूला लाए कहां से तुम लोग? आज तक समझ में नहीं आया मेरे बड़े भाई, और आप कहते जा रहे हैं नौज बिल्ला नबी हमारे बराबर है नबी। अरे मेरे भाई कैसा हो सकता है, अस्तगफिरुल्लाह, आपने तो अपनी किताबों में लिखा नबी पोस्टमैन की हैसियत से नौज बिल्ला दुनिया में आए, जैसे पोस्टमैन पोस्ट देके जाता नबी कुरान देके चले गए नौज बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह की लानत हो ऐसे गंदी जहनियत पर, ऐसी बदखीदगी पर। मेरे प्यारे भाइयों, आज का ये जो दौर है ना, ये ईमान बचाने का दौर है। गरीब नवाज का जो दौर था ना, वो ईमान फैलाने का दौर था। अब इतने फैल गए, इतने फैल गए, नक्को रे भाई, अब कोई भी अब नक्को, यहां है सच लोग बच गए तो बस है। अब ये दौर अब फैलाने का दौर नहीं, ये बचाने का दौर है, ये बेअदबियों से बचने का दौर है, गुस्ताखियों से बचने का दौर है। इसलिए प्यारे नौजवानों, ईमान बचाओ, ईमान को संभालो। तो ये जो अंबिया है, इनको अल्लाह ने पैदा किया। अब ये जो गौसे आजम है, कौन पैदा करे भाई? अल्लाह। गरीब नवाज को कौन भेजा भाई? अल्लाह। हजरत बंदा नवाज को किसने बनाया? अल्लाह। हजरत शाह आलम कादरी को किसने भेजा भाई? अल्लाह। इनको ये मुकाम व मर्तबा देने वाला कौन? अल्लाह। मखदूम माहिमी की शान बताने वाला कौन? अल्लाह। इनको इस शान का मालिक बनाने वाला कौन? अल्लाह। अरे मेरे भाई, इनकी तारीख पढ़े बुजुर्गों ने दीन की, तो अकल दंग है, दंग हैरान है, समझ में नहीं आ रहा। हम भी इंसानी चाहे, हम भी नमाज पढ़ते, मगर हमारे नमाजों में कभी जमात छूट जाती। अब सफर में देखो आप बैठा, मैं 2.5 घंटे फ्लाइट में बैठा, असर की नमाज भी फ्लाइट में पढ़ा, मगरिब की नमाज भी फ्लाइट में पढ़ा। ये बुजुर्गानी थी रौलिया अल्लाह, पूरी जिंदगी नमाज सफर करे, मगर कभी नमाज जमात के अलावा नहीं हुई इनकी। पूरी जिंदगी में एक रकत नमाज नहीं छोड़े भाई, एक रकत नमाज नहीं छोड़े, जबकि इनका दौर बड़ी तकलीफों का दौर था। हमारे जैसे हवाई जहाजों में बैठकर, ट्रेनों में बैठकर फिरने वाली जिंदगी नहीं थी। पैदल सफर करना, जंगलों जंगलों बियाबानों से गुजरना, मदीने से गरीब नवाज तशरीफ लाए अजमेर तक, हजारों हजारों मील का सफर तय करके आए, मगर एक नमाज नहीं छूटी, तकबीर उला नहीं छूटी, एक रकत खजा नहीं हुई, एक लम्हा यादे इलाही से काफिल नहीं रहे, महीनों महीनों पेट में एक तरो ताजा खाना नहीं गया।
सूखी रोटियां खा के जिंदगी गुजारे मगर अल्लाह को नहीं भूले, पैदल चल के जिंदगी गुजारे मगर रब की इबादत करना नहीं भूले, रब की याद से गाफिल नहीं हुए, तो फिर आप जरा सोचो मेरे भाई कैसी जिंदगियां थी इनकी, अल्लाह इनको कैसी खुदरत का मजहर बनाकर पैदा किया था, किस शान के मालिक थे ये लोग। पूरी जिंदगी में एक मर्तबा भी किसी की दिल आजारी नहीं करे, पूरी जिंदगी में एक मर्तबा किसी को झिड़की नहीं दिए, पूरी जिंदगी में किसी का एक रुपया लेके नहीं खाए, पूरी जिंदगी में कभी किसी के साथ बदकलामी नहीं करे, पूरी जिंदगी में किसी को धुत्तारे नहीं। आज 800 साल हो गया मेरे गरीब नवाज को पर्दा फरमाए, आज तक भी देखो हर मजहब वाला मेरे गरीब नवाज के दरबार में आ रहा है। 800 साल से मेरे गरीब नवाज का दरबार हर मजहब वाले के लिए फैजे गंजीना बना हुआ है। क्या शान है मेरे भाई हमारे पास, ऐसे बुजुर्गों के साथ कैसा रिश्ता तोड़ेंगे बोलो आप, कैसा इनके साथ बगावत करेंगे, कैसा इनके खिलाफ देंगे लाइट लगे, मैं नहीं मानता उनको। अरे क्या बच्चों का खेल है, दिल लगी है रे दीवाने, नहीं मानता बोले तो हो जाता। अल्लाह अल्लाह होके उनको ऐसी शान ऐसी खुदरत देके पैदा करा, मानना ही मानना है उनको। ना हम उनके जैसी नमाज पढ़ सकते, ना हम उनके जैसा तख्वा इख्तियार कर सकते, ना हम उनके जैसी तिलावत कर सकते, ना हम उनके जैसी इबादत कर सकते। आपको मालूम होना चाहिए, एक मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, ये जो हम कुरान शरीफ को तजवीद के साथ पढ़ते हैं ना, ये जो तजवीद इसका प्रोनंसिएशन, ये जो हम कुरान के तलफुजात की जो अदायगी करते हैं जिसको मखारिज कहा जाता है, ये मखारिज बनाने वाली जात का नाम इमाम आसिम कूफी है। कौन है बोलो कौन है, ये तजवीद के अमीरुल मोमिनीन है, कुरान के मखारिज तजवीद बनाने वाली जात है ये इमाम आसिम कूफी। इमाम आसिम कूफी के दो शागिर्द थे, एक है इमाम हफ्स और एक है इमाम शोबा। हम लोग जो इंडियन पाकिस्तानी बांग्लादेशी श्रीलंकन अजमी लोग एशियन जो कुरान जिस स्टाइल में पढ़ते हैं जिस खिरत से पढ़ते हैं वो इमाम हफ्स की खिरत से हम पढ़ते हैं, अरब वाले कुरान शरीफ को इमाम शोबा की खिरत से पढ़ते हैं, अक्सर व बेशतर अरबी इमाम शोबा की खिरत से कुरान पढ़ते हैं। तो ये जो इमाम शोबा थे इमाम आसिम कूफी के शागिर्द, जब इनका वक्त विसाल करीब आया तो ये अपने शागिर्दों से कहने लगे या अपनी बहन से कहने लगे कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा एक छोटा अमल है अल्लाह की बारगाह में गुजारिश करना और उसका सवाब मुझ पर पहुंचा देना। तो पूछा गया भाई आपकी ये सो अमल आप खुद सवाब कहीं को नहीं मांग लेते, ए अल्लाह इसका सवाब मुझे दे दे, ये मेरी इबादत ये मेरा अमल है इसका बदला तू मुझे दे दे। तो फरमाते हैं मैंने अल्लाह के लिए अमल किया है, मुझे उससे बदला मांगते हुए शर्म आती है। क्या इखलास है देखो आप, मगर ए अल्लाह मैं ये अमल करा इसका बदला ये दे दे। अब हम जलसा करें, ए अल्लाह आज हम जलसे में आए मौला इस जलसे की बरकत से हमारे गुनाह माफ कर दे, मतलब जलसा करके बदला मांग रहे। मगर वहां बुजुर्गाने दिन इबादत करके बदला मांगना जायज है, बुरा नहीं है। हम जलसा करके बदला मांग रहे हैं अच्छी बात है, सवाब है, मांग सकते हैं, हक है। लेकिन बुजुर्गों ने रब से उस अमल का बदला मांगने में भी शर्म महसूस की है, बोले जिसके लिए अमल कर रहे हैं फिर उसका बदला मांगेंगे कैसी शर्म की बात है। सोचे सोच के कहने लगे कि हम नहीं मांगेंगे तुम बख्शवा देना, तुम कह दो कि अल्लाह इसको बदला दे दे। तो पूछा गया हुजूर आखिर अमल क्या है जिसका बदला मांगना चाहते हैं, तो फरमाते हैं छोटा अमल है छोटा अमल। बोले क्या है हुजूर, तो फरमाते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में 18,000 मरतबा कुरान की तिलावत की है। अल्लाह 18,000 मरतबा, यहां लटक गए पटक गए मर गए तो भी 18 मरतबा नहीं पढ़ रही। हमारे में वली में फर्क बता रहा हूं आपको,
लोग नबी की बराबरी की बातें कर रहे हैं, भामटे बातें लोगों के। नबी में हमारे में फर्क बता रहा हूं। 18,000 मरतबा कुरान की तिलावत करे इमाम शोबा अपनी हयात में। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाओ मेरे इमाम आजम के, मेरे इमाम आजम के कुर्बान जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम आजम रोजाना रात में एक कुरान की तिलावत करते थे, रोजाना दिन में एक कुरान की तिलावत करते थे। एक महीने में 60 कुरान मजीद पढ़ते थे सरकारी इमाम आजम। एक महीने में 60 कुरान मजीद। और फरमाते हैं जब रमजान होता है तो मैं 61 पढ़ता हूं। लोग बोले हजरत दिन 30 है, सुबह एक शाम एक, 60 होते, 61 कैसा? तो इमाम आजम फरमाते हैं एक तरावी में पढ़ता हूं। सुभान अल्लाह, क्या शान है मेरे भाई। तसव्वुर करो ना जी, 60 उनो पढ़े, तुम 6 पढ़ो जान दो। सरकार से गिदुना इमाम, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको मालूम हो ना हमारे बुजुर्गों के बारे में, हमको मालूम ही नहीं है। हमारे बुजुर्गों की शान सुनो आप। इमाम जैनुल आबिदीन रजी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा रास्ते से गुजर रहे थे, एक झाड़ के मुंडेर पे बैठ के, चबूतरे पे बैठ के, मुनाफिकीन इमाम आजम इमाम जैनुल आबिदीन का मजाक उड़ाते हुए कहने लगे, ये वो शख्स है जिसके बाप को बहुत कम औलाद थी। यानी कि उस दौर में औलाद का कम होना अरब के जाहिल इसे ऐब मानते थे, अरब के जाहिल इसे ऐब मानते थे। बहुत बच्चे हुए तो ऐसा सीना तान के चलता था, कई को ऐसा तान रहा है 40 बच्चे मेरे को बोलता था। आप अंदाजा कीजिए, इमाम हुसैन को बहुत थोड़ी औलाद थी, बहुत कम बच्चे थे। तो इमाम जैनुल आबिदीन के ऊपर वो हंसने लगे कहते हुए कि इनके बाप को बहुत कम औलाद है, ऐसे बाप का बेटा है जिसकी औलाद बहुत कम है। तो इमाम जैनुल आबिदीन उनकी तरफ पलटे, पलट के कहने लगे, जालिमो तुम्हें 24 घंटे बिस्तर से फुर्सत नहीं मिलती, इसलिए तुम्हारे घर बच्चे पे बच्चा पैदा होता है। और मेरा बाबा वो है, कौन है इमाम जैनुल आबिदीन के बाबा? इमाम हुसैन। कहते हैं मेरा बाबा वो है जो रात में 1,000 रकत नमाज पढ़ता है और दिन में 1,000 रकत नमाज पढ़ता है। तुम्हें बिस्तरों बीवियों से फुर्सत नहीं मिलती, मेरे बाबा को मुसल्ले और अपने रब की इबादत से फुर्सत नहीं मिलती। अल्लाह अकबर। ऐसे है हमारे बुजुर्ग, 1,000 रकत 5 वक्त के, 48 रकत नहीं पढ़ रहे, 1,000 रकत पढ़ने वाले हमारे बराबर है, उन्होंने इंसान थे। ऐसा कैसा होता डार्लिंग? कहीं तो भी मिलना ना भाई, कहीं तो भी जाके टच होना ना, टचने वाला ना, हमारे बराबर है। लाइट लेके बुल रहा पट्टा, हमारे बराबर है भाई, उन्होंने भी अल्लाह के बंदे, हम भी अल्लाह के बंदे, उन्होंने नमाज पढ़ा मेरा। सन्नो कौन सी नमाज पढ़े बेटा तुम? नमाज पढ़ा तो पीर ख्याल आ रहा, आपने घर को गए तो लड़ती की क्या आएगी, ऐसी नमाज पढ़ रहा है जोरू के ख्याल में। और मेरे दादा पीर, सुभान अल्लाह, सरकार सय्यदुना जुनैद बगदादी रोजाना 400 रकत नमाज नफिल पढ़ते थे। कितने कितने? जरा जोर से, 400 रकत नमाज नफिल। और किसी रकत में भी दुनिया का राई बराबर का ख्याल आता तो फिर वो नमाज को दोबारा दोहराते थे। वो 400 रकत में वो ख्याल वाली रकत को काउंट नहीं करते थे, दुनिया के ख्याल से बरी होकर अल्लाह की इबादत करते थे। ऐसी इबादत करते थे मेरे भाई, ऐसी इबादत। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसा अपने रब को याद करें ये लोग, ऐसा अपने खुदा की इबादत करें ये लोग। उनके बारे में बोलो, इन्हें इसको तहारत लेने नहीं आता, इसको वजू के पूरे ना फराइज मालूम, ना वाजिबात मालूम, ना नवाफिल मालूम, ना सुन्नत मालूम। नमाज में आया तो सजदे 100 कब करना, पट्ठे को 14 औकत सोचना पड़ता। इन्हें बोल रहा अपन भी गौसे पाक के बराबर है भाई। कितनी खतरनाक कौम है, नहीं
40 साल मेरे हौसे पाक जंगलों में गुजारे, 40 साल क्या बच्चों का खेल है, दिल लगी है, टाइम पास है, 40 साल जंगलों में बैठकर अल्लाह की इबादत करना, तरके दुनिया कर देना, दुनिया की तरफ पलट के नहीं देखना, सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह की जात में फना हो जाना, क्या बच्चों का खेल है, दिल लगी है मेरे भाई। फिर पलट के देखे तो उस जमाने के सबसे बड़े बिजनेसमैन का नाम गौसे आजम है। गौसे आजम किसी गरीब आदमी का नाम नहीं है, गौसे आजम अपने जमाने के सबसे बड़े मिलियनर का नाम है, अरबपति खरबपति जात का नाम गौसे आजम है। इतना बड़ा बिजनेस, इतनी बड़ी कारोबार, इतनी बड़ी तिजारत कि अगर उस जमाने में बादशाह होता, बादशाह जो था वो उतना कीमती लिबास नहीं पहनता था, मेरा खौस जितना कीमती लिबास पहनता था। ऐसी बड़ी दौलत रखने के बाद 40 साल फिर अल्लाह की इबादत में जंगलों बियाबा में लगा देना, अल्लाह अकबर कबीरा, सोचो भाई क्या तखवा, क्या परहेजगारी, क्या इबादत, क्या शान, क्या रुतबा, अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हजरत सय्यदुना बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह नक्शबंदियों के इमाम हैं, सरकार बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक तवील वक्त तक मुजाहिदा, रियाजत, तखवा, इबादत, रियाजत, तज़किया करने के बाद फिर से कौम के बीच में आए, जंगलों बियाबां से वापिस आए। आने के बाद शदीद धूप थी, कड़क धूप, वो एसी का जमाना नहीं था, फैन का जमाना नहीं था, कड़क धूप, बैठे हुए आप कहने लगे कि मुझे थोड़ा पानी पिला दो। जब वो पानी लाने के लिए उठा तो अगर ठंडा हो तो पिला दो, बोले क्या बोले, जरा बोलो ना जी प्लीज, ठंडा हो तो पिला दो बोले। तो जैसे ही वो मुरीद लाके, खादिम लाके ठंडा पानी हाथ में दिया, पानी पकड़े, गिलास कुलिया पकड़े, ठंडक हाथ को लगने लगी, ठंडक हाथ को लगी, ठंडक मुंह के करीब लग गए तो ख्याल आया, अल्लाहु अकबर कबीरा, मेरा नफ्स अभी भी जिंदा है, ठंडे पानी की तमन्ना कर रहा, क्या कर रहा, ठंडा पानी की तमन्ना करने पर आपने महसूस किया नफ्स अभी भी जिंदा है। वापिस पिए बगैर अपने मुरीद को पानी दे दिए, बोले मुझे 2 साल तक फिर पानी नहीं देना, बोले ऐसा कुचल दिया नफ्स को, ऐसा खतल कर दिया नफ्स का, ऐसा मुकाबला करे नफ्स का। बाबा फरीद गंजे शकर, फजर की नमाज के वक्त में शैतान आया, पैरों को दबाया दबाया दबाया, हजरत की नमाज खजा हुई। उठ के फजर की नमाज से लेके जोहर की नमाज तक रोते रहे, माफी मांगते रहे रब से, जोहर से लेके ईशा तक रब से माफी मांग, इतना रोए इतना रोए इतना रोए, मुसल्ला भीग गया। फिर जोहर से असर तक इतना रोए इतना रोए, नालियों में से आंसू बहके जाने लगे, अपने रब से ऐसी माफी मांगे। फिर असर से मगरिब तक माफी, फिर मगरिब पढ़े ईशा तक माफी, ईशा पढ़े अब माफी, अल्लाह की बारगाह से आवाज आई, बाबा फरीद आपके रब ने आपकी तौबा को कबूल फरमा ली। दूसरे दिन फजर की नमाज में शैतान खुद आके बोल रहा, बाबा फरीद उठो नमाज पढ़ो। हजरत सवाल करे, कल सुलाया आज उठा रहा कहीं को, बोले कल सुला के उतना दूर नहीं करा, तौबा करके तुम जितने करीब हो गए, बोले आज फिर सुलाऊंगा तो और करीब हो जाएंगे, इसलिए मैं खुद उठा दे रहा हूं, बोले। ऐसे थे बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह। हम लोग नमाजों पे नमाजा छोड़ दे रहे, जुआ भी खेल ले रहे, पत्ते भी खेल ले रहे, बेगम को भी मार रहे, बच्चों को भी मार रहे, अम्मा से भी लड़ रहे, ससुराल को शिफ्ट हो जा रहे, और एक बोलूं यहां गांव की बोलता हूं, गांव की बुरा तो नहीं मानते ना, बोलो जी नहीं मानते ना, छोटा कारोबार करने के वास्ते गैरों के पास से 20,000 रुपए ले रहे,
सूद पे। वाह 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 क्या बात है, बहुत अच्छे। सूद पे ले रहे हैं पट्टे, अपने इतने खतरनाक हो गए, सूद पे पैसे ले रहे हैं। उन्हें देते वक्त 17 दे रहा, ये भी मालूम मेरे को, लेते वक्त 25 ले रहा। लोग मत, इतने भयानक काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद बोल रहे हैं औलिया अल्लाह को मैं नहीं मानता। इतना खतरनाक कहीं को पैदावार है भाई तू, तेरे को देख के तो शैतान भी चारों को शर्माता होगा, मेरे से भी चार हाथ आगे दिख रहा है बोल के। मसलों को समझ रहे हैं आप, कौन है भैया औलिया अल्लाह क्या, मेरे भाई क्या बच्चों का खेल है समझ रहे हैं आप? अल्लाह अकबर कबीरा बच्चों का खेल है, औलिया अल्लाह के सदके जाएं। अल्लाह ने उनको जो है इबादत का मरकज बनाकर पैदा किया था, तख्वे और तहारत का इमाम बनाकर पैदा किया था, अल्लाह ने उनको आबिदों का सरदार बनाकर पैदा किया, जाहिदों का सैयद बनाकर पैदा किया अल्लाह ने उनको। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का वास्ता, बुजुर्गों के साथ कभी भी ऐसी बदअखीदगी नहीं रखना, नहीं रखेंगे ना इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मगर एक बात याद कर लो, जरा सूद की बात आई तो नहीं लेना जी सूद। पूरी कुरान में अल्लाह ने अपने बंदों पर फजल की बात की, एक बार एक जगह जंग की बात की, बोले अल्लाह और उसका रसूल उनसे जंग करेगा, जंग अल्लाह उसका रसूल जंग करेगा। सिर्फ अल्लाह ही नहीं करेगा, रहमतुल लिल आलमीन भी जंग करेंगे। सिर्फ रहमतुल लिल आलमीन नहीं करेंगे, 70 माओं से ज्यादा चाहने वाला रब जंग करेगा अपने बंदे से। बोले अल्लाह कौन है वो बंदे? रब कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, सूद लेने वाला, सूद पे पैसा देने वाला, और तीसरा डेंजर खतरनाक ब्रोकर पैसे दिलाने वाला। सूद लेना देना दिलाना, सूद लेने वाला, सूद पर पैसे देने वाला और सूद दिलाने वाला, सूद पे पैसे दिलाने वाला। ये तीनों से अल्लाह की जंग है, उसके रसूल की जंग है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का वास्ता मत करो ऐसा। और एक बात सुन लो कान खोल के, सूद पे जैसे ही पैसे लेके आप कारोबार करने जा रहे हैं, आपके कारोबार से अल्लाह की मदद खत्म, अल्लाह की रहमत उठा ली जाती है। कोई आदमी कह रहा है कि मैं सूद पे पैसे लेके घर बनाया, सूद पे पैसे लेके इतनी तरक्की कर लिया, माशाल्लाह अगर पैसे नहीं लेता तो मैं आज यहां तक नहीं आता था, ये गाड़ी मेरे पास नहीं आती थी, जैसे भामटे बात है, बेकार बात मत कर, ऐसा हो ही नहीं सकता। अल्लाह की मदद उठ जाती है सूदखोरों से, अल्लाह उनकी मदद नहीं करता। उन्हें फेड़ना चाहता, दिन आ जाते, 3 महीने के वास्ते लिया, 3 महीने आ गए, फेड़ा ही चुनाने, फिर दूसरा खरीदा लिया, दूसरे पैसे लिए सूद पे, और दलदल में गिरते जाता, और दलदल में गिरते जाता, और दलदल में गिरते जाता। अल्लाह की लानत है, वो लत है, वो लत पे अल्लाह की लानत है। वो आदमी कभी सरफराज नहीं होता। और अपनी औलाद को सूद के पैसों पे खाना खिलाए, अपनी औलाद को सूद के पैसों पे, इधर देखो जी बाबू, अपनी औलाद को सूद के पैसों से खाना खिलाए, वो औलाद गद्दार निकलती। कई हमारे मुसलमानों को मैं देख रहा हूं, बच्चियों की शादी करने के लिए सूद पे पैसा लेके आ रहे, लेके आके बच्ची की शादी कर रहे, सूद के पैसे पे बच्ची की शादी करे, खाना खिला दिए, 2 लाख का खाना सूद के पैसों पे, 2 लाख का खाना सूद के पैसों पे। वो सूद के पैसों का खाना दूल्हा भी खाया, दुल्हन भी खाई, घर को गए, दूल्हा दुल्हन मुलाकात करे, बारातियों को तो छोड़ दो अब, दूल्हा दुल्हन मुलाकात करे, उस मुलाकात से हमल कायम हुआ। क्या बात है, वाह वाह क्या इशारा है। पेट में क्या था? हराम का लुकमा। बच्चा पैदा हो रहा हराम का लुकमा खाने के बाद, तो अब वो बच्चा दुनिया में आने के बाद हाफिज कुरान नहीं बनता, आलिम दीन नहीं बनता, वो बच्चा अब जो है मुफ्ती साहब अल्लामा साहब नहीं बनता, वो बच्चा डाकू बनता, डाकू टेररिस्ट बनता, गुस्ताख बनता, बेअदब बनता, जालिम बनता, बदमाश बनता, शरीर बनता, जिना करने वाला बनता, क्योंकि उसकी खमीर में हराम का लुकमा मिला हुआ है, हराम के लुकमे का असर मिला हुआ है। मेरे प्यारे भाइयों, ऐसा मत करो अल्लाह के वास्ते, छोड़ दो ये सब गंदे चीज़ें,
नहीं करना। हमारी माँ और बहनों से भी मेरी गुजारिश है, चुप शोरों को तंग नहीं करना, पैसे लाओ पैसे लाओ पैसे लाओ पैसे ला, ला। गारत का गड़ा कुछ तो भी ला के डालो, बोल के उन्हें जा रहा हराम के पैसे लेके आके डाल दे रहा, मत करो ऐसा। करेंगे बोलो भाई, नहीं करना। अल्लाह की मदद नहीं आती, मदद नहीं आती अल्लाह की। अल्लाह ताला अपना फजल उठा लेता, अपनी रहमत उठा लेता वहां से। यहां तक रिवायात में आया है सूद खोर की छांव भी अगर किसी आदमी पे पड़ जाए उसको भी दोजख में जलाया जाएगा, उसको भी दोजख में जलाया जाएगा। फरमाया गया अगर कोई आदमी सूद खोर है तो उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करो। क्यों मत करो? क्योंकि उस पर जो अजाब बरसेगा उसकी वजह से आजू बाजू के अतराफ व अकनाफ के खबर वालों पर भी उस अजाब का असर मुरतब होगा। अल्लाहु अकबर, इतना खतरनाक मामला है सूद का। नहीं लेंगे नहीं आज के बाद इंशाल्लाह, नहीं आप लोग नहीं लेते, शरीफ लोग आए हैं, चुप बोल रहा हूं मैं, मगर नहीं लेते नहीं इंशाल्लाह, नहीं लेना आज के बाद। सूद के नाम पर हमारे नौजवान बच्चे फुगट में सूद के चक्करों में चले आ रहे हैं, इनकम से सूद पे पैसे ले लिए, इंटरेस्ट पे पैसे ले लिए, फाइनेंस पे पैसे ले लिए। ये गलीज चक्करों में मत जाओ मेरे भाई, छोड़ो ये बेकार चीज़ें, ये सब गंदे चीज़ें हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे मेहनती बनो, वक्त पे उठो, वक्त पे काम करो, वक्त पे अल्लाह की बारगाह से दुआएँ करके निकलो, अल्लाह फजल फरमाने वाला है। कोई आदमी मेहनत करता उसका पेट नहीं भरता, ये खुदा की कुदरत के खिलाफ बात हो रही है। मेहनत करने वालों का पेट बराबर भरता, मेहनत करने वालों के घर में चूल्हा बराबर सुलगता, मेहनत करने वालों के मसाइल बराबर हल होते, मेहनत करने वालों की औलाद जब हलाल का लुखमा खाती है तो दीनदारी उनके अंदर बराबर पैदा होती है, मेहनत करने वालों के साथ अल्लाह की मदद होती है, अल्लाह का फजल होता है, मेहनत करने वाला अपने टारगेट को बराबर पहुंचता है, मेहनत करने वाला अल्लाह की मदद पाता है, वो जो इरादा करके निकलता है अल्लाह उसको सरफराजी अता फरमा देता है, अल्लाह उसको कामयाबी अता फरमाता है। आज तक मेहनत करने के बाद कोई आदमी नाकाम नहीं हुआ मेरे भाई, सक्सेस होता आदमी, मेहनत करने वाला सक्सेस होता, कामयाब होता, अल्लाह ताला उस पर फजल फरमाते, अल्लाह की मदद उसके साथ शामिल हाल रहती है। और मेहनत करने के बाद और एक बात भी सुन लो, आप मेहनत कर रहे हैं 5000 रुपए की मिसाल दे रहा हूं, मगर आ रहे बदले में 1000 इंच, हकीकत में जाहिरी तौर पे आपको क्या महसूस हो रहा, मेरे को 5000 आना था मगर आए 1000, मैं इतनी मेहनत करा इतने पैसे मिले, मायूस नहीं होना। मेहनत करने के बाद आमदनी अगर कम आई तो मायूस नहीं होना, परेशान नहीं होना। पूछे क्यों? बोले मेहनत करना आपका काम था, फल देना उसका काम था, तो उसने आपको 1000 रुपए का फल दिया मगर फायदा 5000 का रहेगा। समझ रहे बात को आप? 5000 रुपए में जो आपको खुशियां मिलने वाली थी अल्लाह वो खुशियां 1000 रुपए में देता, 5000 रुपए में जितना दूर तक आप चलने वाले थे अल्लाह 1000 रुपए में आपको उतनी दूर तक चलाता। ये मामले को समझो आप। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे भाई इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल से उसके हबीब के सदक़े से इंशाअल्लाह ताला मेहनत करेंगे, कामयाब होंगे, आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को देख के हम लोग खुश रहते हैदराबाद में, गुजरातियां बोले तो पैसे वाले करोड़पतियां अरबपतियां ऐसा सोचते, यहाँ के देखे तो नए फार्मूले नहीं कर रहे, ये नक्को डालो यूट्यूब पे, चुप चुप बोल रहा हूँ नहीं डालना। आप लोग आएंगे यहाँ गरीब सूद पे भी पैसे लेते, क्या इतने बड़े सेठा तुम लोग, करोड़पतियां अरबपतियां तुम तो ऐसा शान से जीना, पूरा हिंदुस्तान तुम्हारा को देख के ऐसा तन जाना। अरे अपने पट्टे है ना गुजरातियां बोल के, गुजराती बोले तो बहुत मशहूर, परसों में दुबई को गया था एक महीना पहले फरवरी में, तो पूरे दुबई के अंदर गलबा है गुजरातियों का। हाँ पट्टे बहुत आगे गुजरातियां और अम्मा गुजरातियां मलबारियां दोनों डेंजर है, बोले बोले पैसा कमाने में इनके इतना होशियार चालू आदमी नहीं है बोले पूरी दुनिया में। यहाँ देखे तो 20000 रुपये लेता करते, 25000 लेता करते, ऐसे रहता मियाँ भाई बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छी लाइफ गुजारना, आलीशान मकान, आलीशान गाड़ी, बेहतरीन जिंदगी, माँ बाप दुआएं देना, बीवी खुश रहना, बोले शौहर हो तो ऐसा, औलाद बोलना बाप हो तो ऐसा, अपनी औलाद को हिंदुस्तान के सबसे टॉप स्कूल में डाल के पढ़ाना। ये क्या जी 20000 दियो भाई, 10000 दियो भाई, 5000 दियो भाई, ये क्या है जी मंगने की जिंदगी,
देखो हमारे पास जकात देने के मसले है, जकात लेने के मसले नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड। जितने ओलमा पढ़े जकात देने का मसला पढ़े, जकात कौन देना, जकात कब देना, जकात कितनी देना, जकात कैसा देना, ये मसले पड़े। जकात कैसा मांगना, जाके अमीर के घर पे कहाँ ठहरना, दरवाजे कने ठहरना, गेट कने ठहरना, हाथ बन के ठहरना, मुंडी झुका के ठहरना, ये मसला कोई भी नहीं पड़े। मुसलमान बांटने वाली जात का नाम है, मुसलमान अता करने वाली जात का नाम है। अरे आओ, आज जिस अली के नाम पे तुम जमा हुए हो वो अली वो है जो इफ्तारी के दस्तरखान पे बैठे हैं। साहिल आया मांगने के लिए, अली के सामने आधी रोटी है, अली ने कहा रोटी उठाकर बेटा ये मांगने वाले को दे दो। आया अपना इफ्तार का खाना गरीबों में तकसीम कर दिया और खुद खजूर से रोजा खोल लिया। ये अहले बैत की शान है। हम देने वाली कौम है मेरे भाई, हम लोग भीख मांगने वाली कौम नहीं होती, हम लोगों से मांगने वाली कौम नहीं थी, हम अता करने वाली कौम है। आप मांगने वाले मत बनो, अता करने वाले बनो। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस गुजारिश पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। औलिया अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, बुजुर्गान दीन से ताल्लुक रखेंगे, औलिया अल्लाह के दरों पर आएंगे जाएंगे, उनकी चौखटों पर बैठेंगे, उनसे वो सब लेंगे जो वो देते हैं। उनसे अपने खुलूब को जिंदा करो, अपनी जिंदगियों को रोशन करो, अल्लाह वालों से प्यार करो, औलिया अल्लाह से मोहब्बत करो। वमा अलैना इल्लल बलाग, वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।